करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस का एक सनसनीखेज ऑडियो सामने आया है। ये ऑडियो बीजेपी ने जारी किया है, जिसमें दिग्विजय सिंह कश्मीर से आर्टिकल 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो वो 370 हटाने के फैसले पर विचार करेंगे। दिग्विजय के क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी रिपोर्टर शाहजेब भी मौजूद था। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह का क्लब हाउस ऑडियो 12 मई का बताया जा रहा है, जब उन्होंने पाकिस्तानी रिपोर्टर्स के सामने कहा कि कांग्रेस 370 हटाने के फैसले पर विचार करेगी। जब उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो वहां लोकतंत्र नहीं था, वहां इंसानियत भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सभी को जेल में बंद कर दिया था। कश्मीरियत वहां के सेकुलरिज्म का अहम हिस्सा है, क्योंकि मुस्लिम बहुल राज्य का राजा हिंदू था और दोनों साथ मिलकर काम करते थे। यहां तक कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण भी दिया गया था। ऐसे में आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला बेहद दुखद था, और कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो 370 को हटाने के फैसले पर फिर से विचार करेगी। When they revoked Article 370, then insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of JNK is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a re-look on this issue. पाकिस्तान का सपना और भारत विरोधियों का सपना कांग्रेस कभी पूरा कर नहीं सकती कि 370 और 35A पुनः लागू कर दे जब वो सरकार में आए। ये केवल एक उनका सपना की तरह हो सकता है, ये कभी इस देश में हो नहीं सकता। और रही बात इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की, तो इन 370 और 35A के हटने के बाद सच्चे मायनों में जमहूरियत में दलितों और वंचितों की भागीदारी बढ़ी है। इंसानियत के नाते तमाम प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाएं वहां लागू हो रही हैं, भ्रष्टाचार दूर हुआ है और कश्मीरियत वहां अब फल फूल रही है। इनके जो भारत तोड़ने के सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस का सनसनीखेज ऑडियो सामने आया है, जो बीजेपी ने जारी किया है। बता दें कि इस ऑडियो में ये साफ कहा है दिग्विजय सिंह ने कि सरकार बनने पर, कांग्रेस की सरकार बनने पर कश्मीर में फिर 370 लागू कांग्रेस करेगी। तो ये ऑडियो बीजेपी की तरफ से जारी हुआ है, क्लब हाउस का ये ऑडियो है। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो 12 मई का है, और इस दौरान वहां पर पाकिस्तानी रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। तो दिग्विजय के क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी रिपोर्टर शाहजेब भी मौजूद था। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह का क्लब हाउस ऑडियो 12 मई का बताया जा रहा है, जब उन्होंने पाकिस्तानी रिपोर्टर्स के सामने कहा कि कांग्रेस 370 हटाने के फैसले पर विचार करेगी। तो इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है बंसल न्यूज पर। धन्यवाद जी। आशीष जी, एक तरह से कहा जाए एक बड़ा ऑडियो इसको मानेंगे बीजेपी की ओर से जारी किया गया, जिसमें ये साफ कहा है दिग्विजय सिंह ने कि आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले पर कांग्रेस फिर से विचार करेगी एक बार अगर कांग्रेस फिर सत्ता में आती है तो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेहद निंदनीय बयान है, और यह कोई अचरज नहीं है कि जब जब कांग्रेसी बोलते हैं तो उसमें तालियां पाकिस्तान में पिटती हैं, तो निश्चित ही पाकिस्तान में तालियां आज पिट रही होंगी।
और हम तो सदैव ये कहते रहे हैं कि ये कश्मीर और ये धारा 370 चाचा नेहरू की और ये कांग्रेसियों की गलती थी, और आज दिग्विजय सिंह ने जो कहा है उससे इस देश का हर एक नागरिक उनसे नाराज होगा, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान कभी कोई स्वीकार नहीं कर सकेगा। वो तो मोदी सरकार का एक जो 56 इंच का जो सीना था उसने आज इस फैसले को साफ करके बताया। जी आशीष जी, जी आशीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बाइट सामने आई है वो हम सुनाना चाहेंगे। 370 लाना एक दकियानुसी कदम होगा, घड़ी के कांटों को उल्टे घुमाने की पद्धति होगी, और देश की जनता ये कदापि सहन नहीं करेगी। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों का, अरमानों का अपमान होगा, और इसलिए कांग्रेस इतने गलत विचारों को और देश विरोधी जो दिशा उसने पकड़ी है उसको छोड़ दे, इसी में उसका और देश का हित है। क्लब हाउस चेक, राहुल गांधी टॉप 8 दिग्विजय सिंह के लिए, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दैट इफ कांग्रेस कम्स टू पावर दे विल रीकंसीडर द डिसीजन ऑफ एबोगेटिंग आर्टिकल 37। ऑल्दो इट इज वेरी ट्रेजिक। जी आशीष जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस सदैव देश विरोधी बातें करते रहे हैं, चाहे वो चाइना का विषय हो जिसमें चीन से एमओयू सामने आया और राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे की बात हुई। इससे पहले भी मणिशंकर अय्यर जो इनके नेता थे वो मोदी सरकार को हराने के लिए चाइना में जाके वोट मांग रहे थे, और सदैव इन्होंने ऐसा प्रयास किया ताकि देश की छवि धूमिल हो। मध्य प्रदेश की कोई भी जनता सबसे पहले तो दिग्विजय सिंह को माफ नहीं करेगी, और पूरा देश इस बयान को लेके बहुत, मैं समानता हूँ कि निंदा करेगा दिग्विजय सिंह की, और यही वो कारण है देश विरोधी गतिविधियां और देश विरोधी बयान जिस कारण कांग्रेस आज 400 से 40 के सफर पे पहुंच गई है। चलिए आशीष जी, हमारे साथ इस खबर पर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज जी भी जुड़ गए हैं। अब्बास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी रिपोर्टर्स के सामने इस तरह से देश विरोधी बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है, क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? सबसे पहले तो हम अपनी बात को दुरुस्त कर लें, भारत के लोग भी वहाँ सब मौजूद थे, और अगर कोई व्यक्ति कहीं और रहता है उसके बाद की बात, अगर उसके बाद पर जवाब दिया जा रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है। आशीष जी, मैं 2 मिनट आप लोगों से चाहूंगा ताकि ये बात पूरी समझ में आ जाए। सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है, दिग्विजय सिंह जी की बयान अंग्रेजी में है, बहुत से भाजपा के मित्रों को शायद समझ में नहीं आता होगा, आशीष जी को अच्छे से आ जाएगा। दिग्विजय सिंह जी ने साफ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र उस वक्त वहां पर पूरी तरह से नहीं था, क्योंकि वहां सरकार नहीं थी और सरकार से सीधे सीधे गवर्नर से मामला चल रहा था। सरकार का होना जरूरी होता है जिसके हिसाब से आर्टिकल 370 हटाया जाता है। दूसरी बात दिग्विजय सिंह जी ने कही है, लोग वहां पर जेलों में डाल दिए गए थे, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बंद थे, हाउस अरेस्ट थे, तो उन सबके साथ बात नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी ने क्या 370 का सपोर्ट किया था इस तरह से हटाने का? कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर भी अपना विरोध दर्ज कराया था कि किस तरीके से नहीं, सही तरीके से हटाइए, वहाँ के हाउस को बुलाकर, और हाउस को बुलाकर। अब्बास जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, बाइट आई है हमारे पास, वो हम सुनाना चाहेंगे दर्शकों को। 70 टूटे और दिग्विजय भी वही बात कहते हैं, और आज पाकिस्तान के चैनल्स पर जिस प्रकार से डिस्कशंस होती हैं वहां ये कहा जाता है कि मोदी के साथ सभी लोग नहीं है, कांग्रेस अगर ऐसा कोई बात आती है तो कांग्रेस हमारी सपोर्ट करेगी, लेफ्ट हमारी सपोर्ट करेगी, और बहुत सी ऐसी पार्टियों का उन्होंने नाम लिया है। पाकिस्तान कांग्रेस की तारीफ करे ये शर्मनाक बात है, और पहले से ही लोगों ने जिस प्रकार से कांग्रेस को पूरे देश में लताड़ा है, और आज कांग्रेस हाशिए पर खड़ी हो गई है। कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात की थी आज मुझे लगता है कि सिद्ध हो गई है। इसका कारण यही है कि इस प्रकार की जो इनकी भाषा हमेशा से एंटी इंडिया रही है, और एक बात और, जो विश्व में आज एक टूल किट पर काम हो रहा है भारत में अफरा तफरी फैलाने के लिए, ग्रेटा थनबर्ग ने पिछले दिनों जारी की थी, तो मुझे लगता है ये भी उसी का हिस्सा है। ये नहीं चाहते कि अमन शांति भारत में बने, छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बातों से हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर, कहीं पुलवामा पर, इस प्रकार की जो इनकी भाषा है वो लोग पसंद नहीं करेंगे, जल्द ही इनका खात्मा होने वाला है।
जी अब्बास जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। पूरी करना चाहूंगा, उससे पहले आप मेरी बात को खत्म मत कीजिएगा, बात अधूरी रह जाएगी, मतलब बदल जाएगा। सबसे पहले मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में भी कहा था 370 के हटाने के वक्त, हम इसके हित में हटाने के, लेकिन सही तरीके से हटाया जाए, वहां पर पूरी बॉडी जो विधानसभा की है उसको बिठाया जाए और उसके साथ मिलकर हटाया जाए। दिग्विजय सिंह जी ने भी यही बात कही है, अंग्रेजी के अंदर कही है, भाजपा के मित्रों को समझ में नहीं आई होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वापस लगा देंगे 370, उन्होंने ये कहा वहां पर कि हम इस पूरे के पूरे मामले को दोबारा देखेंगे, मतलब सही तरीके से इसको हटाने का काम करेंगे, वहां के लोगों के भरोसे का काम करेंगे। ये इंडियन प्लेटफॉर्म के ऊपर था, भारत के लोगों के साथ था, वहां पर अगर कोई बाहर का था तो वह अलग बात है और उसकी अनुमति वहां सबको है। अब एक बात ये कि आपके हमारे आशीष जी यहां पर कह रहे थे कि ये 370 के हित वाले लोग हैं, अरे इन्होंने तो नागालैंड को झंडा दे दिया अलग, नागालैंड को अनुमति दे दी इन्होंने अकॉर्ड साइन करके वहां पर फीस के लिए कि आप अपना अलग पासपोर्ट भी रख सकते हैं। इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें कही हैं, करेंसी की अनुमति दे दी थी वहां पर, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ ये दर्ज है, 2019 के अंदर हुआ था और 2019 का महीना था जुलाई का, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने, और जितने बाकी एक्स्ट्रा सबको मिले होंगे वो भी हटा देना चाहिए, मैं तो इसके हित में हूँ। तो ये नहीं कहा है एक देश एक निशान, ये एक देश एक निशान के हित में है नहीं, मतलब नागालैंड को ये देते नहीं। दिग्विजय सिंह जी के बयान को तोड़ा मोड़ा जा रहा है और कुछ नहीं है, कोई नई बात नहीं है। भाजपा अपना जो अब जनाधार है वो खो चुकी है, भाजपा अपना भरोसा खो चुकी है, इसलिए कोरोना में जो लोगों की आज इतनी बड़ी खबर छपी है कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग खत्म हो गए मध्य प्रदेश के अंदर, उस सबसे बचने के लिए आज ये पूरा का पूरा नाटक रचा जा रहा है, जिसको जनता अच्छे से समझती है, जनता इनकी बात। जी आशीष जी, आपसे छोटी सी प्रतिक्रिया चाहेंगे, जो बात कही अब्बास जी ने, क्या कहना चाहेंगे? इतनी लंबी बात की छोटी सी प्रतिक्रिया, चलिए प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो ध्यान हटाने के लिए क्या अब दिग्विजय सिंह जी भी हमारे सहयोगी हो गए? दूसरी बात, मेरे मित्र कह रहे थे कि वहां पे लोकतंत्र नहीं था, लोकतंत्र का जनक जो संविधान है उसी संविधान के तहत वहां पर गवर्नर का राज्य था, और उसके बाद कांग्रेसियों ने तरह तरह के प्रयास करके सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए इस विषय को, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाके गए, और दिग्विजय सिंह के बात को आप तोड़ मरोड़ के पेश ना करें, देखिए बीच में मत बोलिए ना, दिग्विजय सिंह ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि वो इस फैसले को पलट देंगे, मतलब धारा 370 को वो पुनर्स्थापित कर देंगे, इस देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान वो वापस से स्थापित कर देंगे। तो ये आपकी जो गलती थी, आशीष जी को बात पूरी करने दीजिए, आपको भी मौका देंगे आप, प्लीज आशीष जी की बात पूरी कर दीजिए। देखिए बड़ा स्पष्ट है, दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर यूपीए की सरकार आई तो वो इस फैसले को पलट देंगे, मतलब धारा 370 वापस से पुनर्स्थापित कर देंगे। तीसरी बात, बाबा साहब के बनाए गए संविधान से ये देश चलता है, सोनिया गांधी के द्वारा तय किए गए मानकों से नहीं। उस समय जो सरकार थी वो पूर्णतः लोकतांत्रिक थी, वो पूर्णतः संवैधानिक थी, और उसके बाद इस फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में भी दी जा चुकी है। अब अगर कांग्रेसियों का सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में है तो वो उनको मुबारक हो, परंतु इस देश का एक भी नागरिक कश्मीर के साथ कोई भी बदजुबानी स्वीकार नहीं करेगा। अब मुझे मौका दे दीजिए बोलने का। देखिए सबसे पहली बात मैं फिर से कहूंगा, दिग्विजय सिंह जी ने कहा है ये पूरी, दिग्विजय सिंह जी ने कहा है फैसला पलट देंगे, आप पढ़ लीजिए, फैसला पलट देंगे का मतलब क्या होता है? आप अपनी बात पूरी करिए जी अब्बास जी। जनता ने सिर्फ, उन्होंने ये कहा वहां पर कि विधानसभा होना चाहिए था उस सारे तरीकों के साथ, दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट है क्या, दिग्विजय सिंह संविधान है क्या, इसके साथ साथ उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वापस लागू कर देंगे 370, कहीं नहीं कहा। अगर ये कहते हैं, अगर ये कहा है और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर मुकदमा कर दे भाजपा, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं इस वक्त और कुछ नहीं है। और दिग्विजय सिंह संविधान से ऊपर है क्या, अनुमति दी थी भारत में झंडे, दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या, हम इसमें हैं उनके, आप खुद इस तरह के काम करते हो क्योंकि आपकी सोच जो है विभाजनकारी सोच है, और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों, तो विभाजन तो आपके नेताओं ने किया था जो ऐतिहासिक गलती थी, आपके नेताओं की सरकार रही 7 साल इससे पहले कि उन्होंने विभाजन, तो जिन्ना की मजाक की मजाक की गांधी को अपने परिवार को, ठीक है आशीष जी अब्बास जी, एक बात तो साफ है कि ऑडियो अब आउट हो चुका है, ऑडियो वायरल हो चुका है, कहीं ना कहीं इस ऑडियो पर जांच की जाएगी, और जिस तरह से अब्बास जी का कहना है आशीष जी की इस ऑडियो का मतलब बदला जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ जाएगी कि ऑडियो में क्या बात कही गई थी, क्या सही बात कही गई थी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस का एक सनसनीखेज ऑडियो सामने आया, और ये ऑडियो बीजेपी ने जारी किया जिसमें दिग्विजय सिंह कश्मीर से आर्टिकल 370 लागू करने की बात कर रहे हैं।